नमस्कार, मैं हूं अंजू और आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ग्वालियर पहुंचे, जहां समिति की बैठक को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम लोगों को तो चुनाव मोड में आ गए हैं, लेकिन अमित शाह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी जो ताकत है वह पोलिंग बूथ है और पोलिंग बूथ हमारा बहुत मजबूत है, चुनाव उसी से जीत जाएगा और हमें विश्वास है कि हम दो तिहाई से चुनाव जीतेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में अब सिंधिया जी हमारे साथ है तो एक तरफा हम यहां चुनाव जीतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर कैलाश विजयवर्गीय बोले, दिग्विजय सिंह ने कभी देश और प्रदेश के विकास के बारे में नहीं बोला, वह कभी दंगे की बात करेंगे और कभी आतंकवादियों के नाम पीछे लगाएंगे तो कभी धर्मांतरण करने वाले लोगों के सम्मान देंगे। पता नहीं इस उम्र में उन्हें क्या हो गया है, इसलिए बयान देते रहते हैं। दिग्विजय सिंह के द्वारा बजरंग दल के बयान को लेकर कहा, सरकार तो उनकी बनने वाली नहीं है, कुछ भी बयान दे उससे क्या फर्क पड़ता है। सचिन दीक्षित की रिपोर्ट। चलिए यार, चलो सर, आज एक बड़ी बैठक है बीजेपी की, क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, अब हम लोग तो चुनाव मोड में आ गए हैं और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे और हमारी जो ताकत है वो पोलिंग बूथ है और पोलिंग बूथ हमारा बहुत मजबूत है और चुनाव उसी से जीता जाता है और हमें विश्वास है कि हम दो तिहाई बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। खासकर ग्वालियर चंबल अंचल के लिए क्या रणनीति बनने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से 2018 में नहीं, बहुत अच्छी रणनीति, यहाँ पर नेता एक ही थे सिंधिया जी, वो हमारे साथ आ गए तो ग्वालियर चंबल संभाग हम एक तरफा जीतेंगे। सर, दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि बीजेपी नू की भांति पूरे देश भर में दंगे कराने की साजिश कर रही है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी आजकल इसी प्रकार की बात करते हैं और मैं नहीं समझता कि इस प्रदेश में विकास, देश के विकास के बारे में कभी उनके मुंह से आपने सुना हो। कभी दंगे की बात करेंगे, कभी आतंकवादियों के नाम पे जी लगाएंगे, कभी धर्मांतरण करने वालों को सम्मान देंगे, पता नहीं क्या हो गया उनको इस उम्र में, इसलिए इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। अभी बजरंग दल को भी लेके उनका बयान सामने आया, तो उन्होंने कहा कि बजरंग दल को बैन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब एनडीए की सरकार थी तब सिमी को बैन कर दिया था बीजेपी ने, लेकिन बजरंग दल को बैन नहीं किया था, इस तरीके का बयान। अब मैं कह रहा हूँ ना कि सरकार तो बनने वाली है नहीं, इसलिए कुछ भी बयान दे उससे क्या फ़र्क पड़ता है।